सबसे पहले लिखो सब्सटेंस, सब्सटेंस इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। आज मैं जो भी चीज डिस्कस करूंगा वो शायद आप क्लास टेंथ में पढ़ चुके हैं, एक तरह से मैं रिवाइज करवाऊंगा और एक तरह से लेक्चर मोल कंसेप्ट वो अगले क्लास से शुरू होगा। टुडे इज अ वेरी बेसिक लेक्चर। सब्सटेंस इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में आता है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। प्योर सब्सटेंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। इम्प्योर सब्सटेंस में फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंस, दैट विल बी कॉल्ड एज इम्प्योर सब्सटेंस। केमिस्ट्री बेसिकली स्टडी है प्योर सब्सटेंस का, इम्प्योर सब्सटेंस का हम लोग डीलिंग बहुत ही कम करते हैं। प्योर सब्सटेंस का हम लोग स्टडी सबसे ज्यादा करते हैं जिसमें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मौजूद हैं। नाउ चाहे कोई भी कैटेगरी का सब्सटेंस हो, दे ऑल आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस इज कंपोज्ड ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस is always composed of fundamental particles. Any kind of substance is always composed of fundamental particles. जैसे element भी बना है तो कुछ fundamental particle के जुड़ने से बना है, या collection of fundamental particle, that will be called as element. Compound का भी अपना एक fundamental particle है, ions का भी अपना एक fundamental particle है। Fundamental particle एक basic unit होता है जिससे वो substance बना होता है। Any type of substance is always composed of fundamental particle. Fundamental particle का definition लिखो। The simplest and the smallest particle of any substance. The simplest and the smallest particle of any substance is called fundamental particle. देखो आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो तुमको हम 1 किलोग्राम ब्लॉक ऑफ आयरन दिए और हम तुमसे बहुत सारा सवाल पूछे। सवाल जैसे बताओ इस आयरन का क्या केमिकल प्रॉपर्टी होगा, किस तरीके का रिएक्शन शो करेगा, या ये आयरन किस तरीके का कंपाउंड बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ, क्लोरीन के साथ किस टाइप का कंपाउंड्स बनाएगा। मतलब हम 1 किलोग्राम आयरन देकर आपसे बहुत सारा सवाल आयरन से रिलेटेड पूछ रहे हैं। आपका जवाब होना चाहिए सर 1 किलोग्राम की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप उसका एक फंडामेंटल पार्टिकल मेरे को इमेजिन करवा दो, एक फंडामेंटल पार्टिकल दे दो, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। कहने का मतलब फंडामेंटल पार्टिकल आर सिंपलेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन गिव एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्सटेंस टेकन इन बल्क। जो सब्सटेंस आप लिए हैं उससे रिलेटेड जितने इंफॉर्मेशन हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल के थ्रू भी हम लोग पता कर सकते हैं। पूरे सब्सटेंस का होना जरूरी नहीं है, एक फंडामेंटल पार्टिकल का होना जरूरी है। सो फंडामेंटल पार्टिकल्स आर द सिंपलेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस विच कैन रिवील ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्सटेंस टेकन इन बल्क। नाउ एलिमेंट्स का फंडामेंटल पार्टिकल होता है एटम्स। एलिमेंट्स का फंडामेंटल पार्टिकल होता है एटम्स, और कंपाउंड्स का फंडामेंटल पार्टिकल होता है मॉलिक्यूल्स। Atoms are the fundamental particle of elements and molecules are the fundamental particle of compounds. Jaise compounds are
मेड अप ऑफ, कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। कंपाउंड किससे बने होते हैं? एलिमेंट से बने होते हैं। जैसे मान लो हम H2O लिखे, H2SO4 लिखे, दे ऑल आर कंपाउंड, दे ऑल आर मेड अप ऑफ एटम्स। कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, देयरफॉर वी कैन से मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। कंपाउंड का फंडामेंटल पार्टिकल मॉलिक्यूल है और एलिमेंट्स का फंडामेंटल पार्टिकल एटम्स है। अगर हम लोग ये बोलते हैं कि सारे कंपाउंड एलिमेंट्स से बने हुए हैं, तो यह भी कहना सही रहेगा कि सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एटम से बने होते हैं। एटम का कलेक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रहा? एलिमेंट का कलेक्शन विल बी कॉल्ड एज कंपाउंड्स। खैर, एटम से रिलेटेड एक थियोरी है जिसको हम लोग कहते हैं डेल्टन्स एटॉमिक थियोरी। ये पढ़े होंगे, डेल्टन्स एटॉमिक थियोरी। इसका बहुत सारा पोस्टुलेट है, लेकिन इसका दो पोस्टुलेट जरूर याद रखना। पहला, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कहने का मतलब, ना तो आप एटम बना सकते हो और ना ही एटम को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। हाफ एटम एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में एटम एग्जिस्ट करता है। एक एटम, दो एटम, तीन एटम, थ्री फोर्थ एटम एग्जिस्ट कभी नहीं करेगा। वी कैनॉट डिस्ट्रॉय द एटम एंड मेक इट हाफ और थ्री फोर्थ। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दे आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स। डेल्टन्स एटॉमिक थियोरी के अनुसार एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दे आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स। ठीक है, वेरी सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम लोग क्या मानते हैं? कि बीच में होता है न्यूक्लियस और इसके चारों ओर क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। यस और नो? न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। फाइन, किसी भी एटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो एक्स से ऊपर लिख देंगे ए और नीचे लिख देते हैं जेड, वेयर ए इज मास नंबर एंड दैट मास नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इस नंबर को मास नंबर बोला जाता है बिकॉज द नंबर विच कैन गिव अस द मास ऑफ द एटम। अभी हम लोग देखेंगे कि ये नंबर ही हम लोग को एटम का मास देता है, इसलिए इसको हम लोग मास नंबर कहते हैं। Z is atomic number एंड एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। Z is always equal to atomic number and atomic number is always equal to the number of protons. खैर, ये बेसिक चीज। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 27 किलोग्राम, विच इज 1 AMU। मास ऑफ न्यूट्रॉन्स भी बिल्कुल लगभग सेम, दैट इज 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम, विच इज कॉल्ड 1 AMU। हम AMU फिर से एक्सप्लेन करेंगे, अभी आप वैल्यू याद रखिएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है, हालांकि न्यूट्रॉन स्लाइटली हेवियर होता है प्रोटॉन से, लेकिन इतना डिटेल हम लोग को मोल कंसेप्ट में आवश्यकता नहीं है। उतना डिटेल हम लोग जब न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब वहां पर जरूरत पड़ेगी। अभी के लिए आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कितना मानोगे? बोथ ऑफ देम आर इक्वल टू 1 AMU, जिसका वैल्यू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 24 ग्राम या माइनस ऑफ 27 किलोग्राम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 31 किलोग्राम। ये सारे मासेस याद रखना,
प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास एंड इलेक्ट्रॉन का मास. इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻³⁻³ किलोग्राम. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बहुत कम है, 10⁴ टाइम्स लेस. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन मास इज नेग्लिजिबल इज इन कंपेयर्ड टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. फाइन. चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? +1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम्स. चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन −1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर चार्ज्ड पार्टिकल. प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दोनों पे बराबर होता है. एक प्रोटॉन पे चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड इज सेम, 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम. बट दे आर ऑपोजिट इन साइन. इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल बट प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल. चार्ज ऑन वन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल, जीरो चार्ज. न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल. तो एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव होता है क्योंकि उसमें सिर्फ प्रोटॉन्स ही ऐसे हैं जो चार्ज पार्टिकल हैं और उनके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, इतना आपको पता होना चाहिए. क्लियर? Atoms are related to, atoms are related to atomic weight. Atoms are related to atomic weight. हर एटम का अपना एक मास या वेट होगा. एटम्स और मॉलिक्यूल हम लोग नेकेड आई से देख नहीं सकते, लेकिन इमेजिन कर सकते हैं कि दे आर सो टाइनी पार्टिकल, दे आर सिंपलेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द प्योर सब्सटेंस एलिमेंट या कंपाउंड. एटॉमिक वेट का बेसिक डेफिनेशन, एटॉमिक वेट का बेसिक डेफिनेशन होता है, इट इज द मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट. एक एटम का मास, एक एटम का मास, किसी भी एलिमेंट का एक एटम का मास डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ, 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12. ये बेसिक डेफिनेशन होता है. एटॉमिक वेट इज मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12. ठीक है, ये जो एटॉमिक वेट क्वांटिटी है ये मास अपॉन मास है. तो मास अपॉन मास अगर हो गया तो एटॉमिक वेट का कोई यूनिट नहीं होता, इट इज अ यूनिटलेस या डायमेंशनलेस क्वांटिटी. एटॉमिक वेट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, एटॉमिक वेट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इसका कोई यूनिट नहीं होता. जैसे मान लो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना, 16, उसके आगे ग्राम मत लिख देना. एटॉमिक वेट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी बिकॉज इट इज मास अपॉन मास. हाइड्रोजन इट इज 1. Similarly, aluminium, it is 27. Sodium, it is 23. Magnesium, it is 24. Iron, it is 56. Sulfur, it is 32, etc. Atomic weight is a pure number. It does not have any unit because it is mass upon mass quantity. तो फिर ये atomic weight का क्या significance है? तो सिग्निफिकेंस ये है बेटा कि एटॉमिक वेट से हम लोग मास ऑफ वन एटम पता कर लेते, क्योंकि ये जो क्वांटिटी होता है, ये क्वांटिटी, दिस इज इक्वल टू वन एटॉमिक मास यूनिट. इसी को कहते हैं हम लोग एएमयू. ये डिनोमिनेटर जो है यही वन एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है,
एंड इट इज कॉल्ड 1 AMU. ध्यान रहे 8 AMU इज ऑलवेज इक्वल टू 1.67 इंटू 10^-24 ग्राम या 1.67 इंटू 10^-27 किलोग्राम. ये वैल्यू याद रखिएगा. नाउ अगर हम तुमसे बोले कि मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना, तो हमें पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है, 16. तो यहां पे हम लोग 16 बिठा है और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट आ जाएगा. तो 16 × AMU, समझ में आ रहा है? तो 16 × AMU विल बी द मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन. 16 × 1.67 × 10^-24. अब इसमें एक यूनिट आया. तो एनीवे हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं कि मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट विल बी ऑलवेज इक्वल टू इट्स एटॉमिक वेट मल्टीप्लाइड बाय एएमयू वैल्यू. जब एक एटम का मास पता चल गया तो हम 10 एटम का मास भी बता सकते हैं, 1000 एटम का मास भी बता सकते हैं. तो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि एटॉमिक वेट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, बट बाय द हेल्प ऑफ एटॉमिक वेट वी कैन गेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट. एक एटम का मास हम ग्राम में या किलोग्राम में लिख सकते हैं. कैसे? एटॉमिक वेट को एएमयू का वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, उसको एक यूनिट मिल जाएगा. एक का पता चल गया तो हम 4 का बता सकते हैं, 1000 का बता सकते हैं. क्लियर है ये चीज? क्लियर है? सिमिलरली मॉलिक्यूल्स आर रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर वेट. मॉलिक्यूल्स आर रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर वेट. मॉलिक्यूल्स आर रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर वेट. मॉलिक्यूलर वेट इज ऑल्सो इक्वल टू, सेम टाइप का डेफिनेशन है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12. मॉलिक्यूलर वेट का भी बिल्कुल वैसा ही डेफिनेशन. इट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी कंपाउंड डिवाइडेड बाय एएमयू वैल्यू. तो अगर वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना? 16+2 = 18. अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना? 14+3 = 17. H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना? 98, 64, 32 or 2 into 1, 98. बट विदाउट एनी यूनिट, क्योंकि ये भी मास अपॉन मास है. तो अगर हम तुमसे बोले कि अरे मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल वाटर का कितना मास होगा, तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. मॉलिक्यूलर वेट वाटर का कितना है? 18. तो लिखेंगे 18 × तो जब मॉलिक्यूलर वेट में एएमयू मल्टीप्लाई कर देते तो वो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल बन जाता है. जब एटॉमिक वेट में एएमयू मल्टीप्लाई कर देते तो वो मास ऑफ वन एटम बनता है. क्लियर है ये चीज? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड विल बी ऑलवेज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड बाय एएमयू वैल्यू. तो एक एटम का मास आपको निकालने आना चाहिए और एक मॉलिक्यूल का भी मास आपको निकालने आना चाहिए. एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट दे आर यूनिटलेस क्वांटिटी, बट व्हेनेवर वी टॉक इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ वन एटम और मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, तब उसे यूनिट मिलता है जब हम लोग उसमें एएमयू मल्टीप्लाई कर देते. हीलियम का एटॉमिक वेट इज 4. व्हाट इज द डिफरेंस इन सेइंग 4 and 4 AMU? तो 4 इज एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम, बट 4 AMU इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम. क्लियर है? वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18, बट व्हाट इज 18 AMU? 18 AMU इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ
वाटर, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। अगर हम लिखे एल प्लस थ्री, एल प्लस थ्री पहले लिखे थे सिंपली एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज 27 एंड 13, एल्यूमिनियम इज 27 एंड 13, ओके। व्हाट इज इट्स मास नंबर? 27। व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर? 13। एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज वेल एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। खैर, अगर हम Al प्लस थ्री दिखा के बोले तो Al प्लस थ्री का एटॉमिक वेट कितना होगा? अगर इसका एटॉमिक वेट 27 है, अगर इसका एटॉमिक वेट 27 है तो Al प्लस थ्री का एटॉमिक वेट कितना होगा? 27। व्हाट विल बी इट्स एटॉमिक नंबर? व्हाट विल बी इट्स एटॉमिक नंबर? 13 और 10। ये बात समझ में आ रहा है ना? एटॉमिक नंबर हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, इसलिए मैंने आगे कुछ लिखा नहीं था। हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं, और अगर एटम न्यूट्रल है तब वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, लेकिन यहां पर तो न्यूट्रल नहीं है। एल प्लस थ्री का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज प्लस थ्री रिप्रेजेंटेड हियर? 3 इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम से निकाल लिया गया है, 3 इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम से निकाल लिया गया है। इलेक्ट्रॉन के निकालने या ऐड करने से न्यूक्लियस को कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूक्लियस रिमेन्स द सेम, एंड इफ द न्यूक्लियस रिमेन्स द सेम देन मास नंबर या एटॉमिक नंबर ऑल रिमेन्स द सेम। इज दिस क्लियर? सी द एटॉमिक वेट, हम लोग जानते हैं कि H2SO4 का मॉलिकुलर वेट 98 है। व्हाट इज द मॉलिकुलर वेट ऑफ सल्फेट आयन? व्हाट विल बी द मॉलिकुलर वेट ऑफ सल्फेट आयन? सल्फेट आयन का मॉलिकुलर वेट, सल्फेट आयन का मॉलिकुलर वेट दैट विल बी 96। जिस तरीके से हम लोग किसी कंपाउंड का मॉलिकुलर वेट निकालते हैं उसी तरीके से, सेम तरीका से किसी आयन का भी मॉलिकुलर वेट निकालते हैं। मॉलिकुलर वेट इज द सम ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड, है कि नहीं? तो जैसे हम लोग H2SO4 का 98 बोल रहे हैं, सल्फेट आयन का भी मॉलिक्यूलर वेट हम लोग क्या बोलेंगे? 96। 32 प्लस 64, इससे कोई लेना देना नहीं है। 2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आया, लेकिन इलेक्ट्रॉन के आने जाने से न्यूक्लियस को कोई फर्क नहीं पड़ता, और न्यूक्लियस को फर्क नहीं पड़ता तो फिर मास को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाट विल बी द मास ऑफ वन आयन ऑफ सल्फेट? व्हाट विल बी द मास ऑफ वन आयन ऑफ सल्फेट, या वन सल्फेट आयन का मास कितना? 96 AMU। जैसे मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 18 AMU बोले, वैसे ही मास ऑफ वन सल्फेट आयन कितना? 96 AMU। क्लियर है? सपोज आई रोट CuSO4.5H2O, व्हाट विल बी द मॉलिकुलर वेट? CuSO4.5H2O, व्हाट विल बी द मॉलिकुलर वेट? तो ये एक तरह का क्या है? हाइड्रेटेड कंपाउंड है। ध्यान रखना कि किसी भी हाइड्रेटेड कंपाउंड का मॉलिकुलर वेट में वाटर का भी वेट जोड़कर बोला जाता है, अलग अलग नहीं। CuSO4.5H2O का मॉलिकुलर वेट, ओके, कॉपर 63.5, सल्फर 32, 4 ऑक्सीजन 64, प्लस 1 वाटर का 18 होता, 5 वाटर का कितना होगा? 5 × 18 दैट इज 90। ये सब जोड़ के बोलेंगे कि CuSO4.5H2O का मॉलिकुलर वेट कितना है, जितना भी हो। व्हाट विल बी द मास ऑफ वन CuSO4.5H2O यूनिट? जो मॉलिकुलर वेट आया उसमें हम लोग एमयू को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नाउ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हर कंपाउंड का हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफाइन करते हैं। हर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो वाटर है तो इट इज ओके H2O, सपोज इट इज अमोनिया इट इज NH3, सपोज इट इज H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। हर कंपाउंड का अपना एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है।
मॉलिकुलर फॉर्मूला से हम लोग क्या क्या इंफॉर्मेशन पा सकते हैं? ओके, पहला मॉलिकुलर वेट, पहला मॉलिकुलर वेट। तुरंत बोलेंगे कि हर कंपाउंड का मॉलिकुलर फॉर्मूला अगर मेरे को पता है तो हम तुरंत मॉलिकुलर वेट बता सकते हैं। मॉलिकुलर वेट अगर बता दिए तो हम मास ऑफ वन मॉलिक्यूल या वन आयन भी बता सकते हैं। ये तो पहला काम हो गया। दूसरा काम, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। सिंस इट इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हम लोग ये समझ सकते हैं इट इज अ फॉर्मूला ऑफ वन मॉलिक्यूल। बात समझ में आ रहा है? तो किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर पता है तो वी कैन इमेजिन डायरेक्टली वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल इमेजिन कर लेना तुरंत, उस कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल में क्या क्या प्रेजेंट है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बता देगा। जैसे H2SO4 का एक मॉलिक्यूल अगर हम इमेजिन किए तो उसमें दो हाइड्रोजन के एटम होंगे, एक सल्फर का एटम होगा और चार ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर इस तरीके से अरेंज नहीं होगा, बॉन्डेड होगा, वो तो हम लोग बॉन्डिंग में देखेंगे। लेकिन मोल कंसेप्ट के अनुसार आप सिर्फ इतना इमेजिन कर लेना कि उसके एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन के एटम, दिस इज कॉल्ड इंडेक्स H2, टू हाइड्रोजन एटम, नथिंग इज रिटर्न, वन सल्फर एटम एंड फोर ऑक्सीजन एटम। सिमिलरली अमोनिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम लोग बोल सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल अमोनिया में एक नाइट्रोजन का एटम होगा और थ्री हाइड्रोजन के एटम होंगे। अगर हम बोले कि एक CuSO4.5H2O को कैसे इमेजिन करोगे? कंसिडर वन फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ इट। एक फंडामेंटल पार्टिकल में क्या क्या कैसे होगा, कैसे इमेजिन करना है? तो अगर हम इसका एक फंडामेंटल पार्टिकल को इमेजिन करें तो एक कॉपर का एटम, एक सल्फर का एटम, चार ऑक्सीजन के एटम, ये तो CuSO4 हो गया, और साथ में पांच वाटर के मॉलिक्यूल भी एसोसिएटेड हैं, पांच वाटर के मॉलिक्यूल भी एसोसिएटेड हैं। ये कुल मिला के इसका एक फंडामेंटल पार्टिकल होगा। वन फंडामेंटल पार्टिकल विल बी इमेजिन लाइक दिस कि उसमें एक CuSO4 का यूनिट है और एक CuSO4 के यूनिट के साथ पांच H2O का यूनिट लिंक्ड अप है। इज दिस क्लियर? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम लोग एक फंडामेंटल पार्टिकल, चाहे मॉलिक्यूल में कितने तरह तरह के डिफरेंट एटम्स मौजूद हैं वो हम लोग पता कर सकते हैं। क्लियर है? तीसरा यूज भी आएगा, चौथा यूज भी आएगा जब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन पढ़ेंगे। इतना क्लियर है ना? तो जब एक मॉलिक्यूल में मेरे को पता चल गया कि कितने कितने एटम हैं, तो मेरे से अगर कोई 100 मॉलिक्यूल के बारे में पूछेगा तो हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स बता सकते समझ में आ रहा? एक अगर मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में चार ऑक्सीजन के एटम है तो 50 में 200 होंगे ही होंगे। क्लियर है ये चीज? नाउ द वर्ड मोल, बेसिकली मोल इज अ यूनिट टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी, द रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस। बेसिकली वो यूनिट होता है, मोल इज अ यूनिट। मोल और डजन में बहुत सिमिलैरिटी है बेटा। डजन भी यूनिट है, मोल भी यूनिट है। डजन इज अ यूनिट रिलेटेड टू नंबर। जहां 12 देखे वहां डजन बोलेंगे, एक डजन 12, दो डजन 24। तो डजन एक ऐसा यूनिट है जो एक नंबर से रिलेटेड है। 12 देखे तो एक डजन, 6 देखे तो हाफ डजन है कि नहीं, 24 देखे तो दो डजन बोलेंगे। सिमिलरली मोल इज ऑल्सो अ यूनिट विच इज रिलेटेड टू नंबर एंड दैट नंबर इज स्लाइट कॉम्प्लिकेटेड एंड दैट कॉम्प्लिकेटेड नंबर इज 6.022 × 10³। एंड दिस नंबर इज कॉल्ड अवोगाड्रो नंबर, अवोगाड्रो नंबर। खैर, जैसे डजन 12 से रिलेटेड है वैसे ही वर्ड मोल भी अवोगाड्रो नंबर से ही रिलेटेड है। अगर हम 6.022 × 10³ नंबर का कोई भी चीज अगर देखें तो तुरंत उसको हम बोलेंगे एक मोल। 3.011 × 10³ हाफ मोल, 12.044 × 10³ टू मोल्स, लाइक दिस। बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड टू अ नंबर, बट दोनों में एक बेसिक अंतर यह भी है कि ये प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग यूज कर सकते हैं लेकिन इसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं कर सकते। एक मोल बनाना बोल दिए मन की दिमाग खराब हो जाएगा।
प्रैक्टिकल यूज के लिए नहीं है. तो इन विच सेंस इट विल बी यूज्ड? दिस इज यूज्ड इन, दिस इज यूज्ड इन 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 क्वांटिफाइंग द फंडामेंटल पार्टिकल्स. फंडामेंटल पार्टिकल्स, क्वांटिफाइंग द फंडामेंटल पार्टिकल्स. सिर्फ फंडामेंटल पार्टिकल के वर्ल्ड में इसका इस्तेमाल है. फंडामेंटल पार्टिकल मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन एटसेट्रा. एक मोल एटम बोलना बिल्कुल सही है, एक मोल आयन बोलना बिल्कुल सही है, एक मोल इलेक्ट्रॉन बोलना बिल्कुल सही है, लेकिन वन मोल ऑफ मैंगोज बोलना बिल्कुल गलत है. वी कैन नॉट यूज इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ. मोल हैज अ सिग्निफिकेंस ओनली इन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल. व्हाट इज वन मोल? इट इज रिलेटेड टू अ नंबर. जहां हम इतना नंबर का फंडामेंटल पार्टिकल देखेंगे उसको बोल देंगे हम लोग सीधे सीधे वन मोल. कॉपी करो यहां तक. आपने पढ़ रखी हैं, नो प्रॉब्लम, रिवाइज करो, क्योंकि यह सब चीज आईआईटी जेई में नहीं आता. लेकिन यह सब चीज अगर क्रिस्टल क्लियर है तो आगे आने वाले लेक्चर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. तो हम जो जो चीज बोल रहे हैं भले ही वो आता हो उसको रिफाइन करके एक बार और एक्सेप्ट करो. क्लियर? नोट करो. वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स. वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल. ये जो स्टेटमेंट मैंने जो लिखाया ये फंडामेंटल पार्टिकल के टर्म्स में लिखाया. चाहे कोई भी सब्सटेंस हो, एक मोल अगर उस सब्सटेंस का लिया गया है तो हर एक मोल सब्सटेंस में सेम नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स होंगे. हम जानते हैं कि एलिमेंट हमारे सामने दो प्रकार के हैं, सब्सटेंस हमारे सामने दो प्रकार के हैं. एक तो एलिमेंट है और दूसरा कंपाउंड्स. बोथ आर प्योर सब्सटेंस बट टू डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस. अगर हम यहां पर लिखेंगे वन मोल ऑफ एनी एलिमेंट, वन मोल ऑफ एनी एलिमेंट विल हैव सेम नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल. द नंबर इज अवोगाड्रो नंबर. लिख लो. And the number is Avogadro number. One mole of any substance always contains the same number of fundamental particle. And the number is Avogadro number. 6.022 × 10³. तो अगर हम element लिखे हैं तो one mole of any element will have 6.022 × 10³. What? Fundamental particle. और fundamental particle element का क्या होता है? Atoms. One mole of any element will always have 6.022 × 10³ number of atoms. और यही अगर हम compound में ये statement लिखने जाएं कि one mole of any compound will have 6.022 × 10³. What? Fundamental particle. And fundamental particle of compound is molecules. ये दोनों स्टेटमेंट को बिल्कुल क्लियरली समझ लो. जब भी हम लोग एलिमेंट में काम करेंगे अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स बोलेंगे, और जब भी हम लोग कंपाउंड में काम करेंगे एक मोल कंपाउंड में अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है. कंपाउंड में अगर एटम्स का नंबर पूछा गया तो वो ये नंबर नहीं होगा. ये तो मॉलिक्यूल का नंबर मिला, और एक मॉलिक्यूल में कितने कितने अलग अलग एटम्स है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देगा. देयरफॉर इसमें कितने कितने एटम्स होंगे वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, देखेंगे. पहले ये चीज को समझ लो. वन मोल ऑफ एनी एलिमेंट अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स, वन मोल ऑफ एनी कंपाउंड विल ऑलवेज हैव अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन मोल ऑफ सल्फेट आयन अवोगाड्रो नंबर ऑफ सल्फेट आयन. दिस ऑल आर वैलिड. क्लियर? नाउ
मोल के पहले भी यूनिट था, वो यूनिट अब उतना कॉमन नहीं है, फिर भी उस यूनिट की जानकारी होनी जरूरी है। वो यूनिट था, एलिमेंट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते थे 1 ग्राम एटम। द वर्ड ग्राम एटम इकट्ठा है, ऐसा नहीं कि हम 1 ग्राम कोई एटम लिए, ये गलत है। 1 ग्राम एटम, ग्राम एटम इज 1 वर्ड एंड दैट ग्राम एटम इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल। ये पहले इस्तेमाल होता था, 1 ग्राम एटम इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल। 1 ग्राम एटम ऑल्सो इंप्लाइज 6.022 × 10³ एटम्स। तो हम लोग एलिमेंट के लिए इस्तेमाल करते थे ग्राम एटम, कंपाउंड के लिए इस्तेमाल करते थे ग्राम मॉलिक्यूल। 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल भी 1 मोल के बराबर ही होता है, और 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब 6.022 × 10³ मॉलिक्यूल्स। ये ओल्डर यूनिट्स है, मोल इज अ मॉडर्न यूनिट। ग्राम एटम हो या ग्राम मोल, ग्राम एटम हो या ग्राम मॉलिक्यूल हो, आयन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते थे 1 ग्राम आयन। 1 ग्राम आयन भी इक्विवेलेंट टू 1 मोल ही होता है, जिसमें 6.022 × 10³ आयन्स होते। तो ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, ये सब पहले इस्तेमाल होता था, उनका भी वैल्यू अवोगाड्रो नंबर के बराबर ही है। फंडामेंटल पार्टिकल, ग्राम एटम वॉज यूज फॉर एलिमेंट, ग्राम मॉलिक्यूल वॉज यूज फॉर कंपाउंड एंड ग्राम आयन वॉज यूज फॉर आयन्स, लेकिन तीनों का तीनों 1 मोल के बराबर ही है। पहला फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स विल बी ऑलवेज इक्वल टू, अपने आप समझ जाओगे, नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स गिवन डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। ये फॉर्मूला क्या है? तो ऑब्वियस सी चीज है, अगर हम 48 बोलकर तुमसे बोले कि कितना डजन, तो 48 डिवाइडेड बाय 12, वी विल से 4 डजन। सिमिलरली अगर हम एटम्स का नंबर दे दें और तुमसे बोले कितना मोल, तो हमको पता है कि 1 मोल में अवोगाड्रो नंबर, तो अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। तो नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स गिवन डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर विल गिव अस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। उल्टा भी सोचो, अगर मेरे को नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल निकालना है तो मोल में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 5 × अवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वेरी सिंपल, पहला फॉर्मूला। अब देखो, मान लो ये एक मासलेस कंटेनर है, इसमें हमने 1 मोल सल्फर लिया, 1 मोल सल्फर लिया, और हम तुमसे बोले कि यार इसका टोटल मास बताओ, टोटल मास ग्राम में या किलोग्राम में कितना होगा, तो हम बिल्कुल बेसिक तरीका से आगे बढ़ेंगे। कैसे? 1 मोल सल्फर है, इट ऑल्सो इंप्लाइज इट विल हैव अवोगाड्रो नंबर, हम हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर, इसके अंदर अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर होंगे, ठीक है। और थोड़े देर पहले हम लोग ये पढ़े थे कि एक एटम का मास कैसे निकाला जाता, या एक मॉलिक्यूल का मास कैसे निकाला जाता है, मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट में एमयू मल्टीप्लाई करके। तो हम लोग तुरंत बोल सकते कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर विल बी इक्वल टू, तो सल्फर का एटॉमिक वेट 32, तो एक एटम का मास कितना, 32 में एमयू मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बिकम 32 × एमयू, ये एक सल्फर का एटम का मास है। तो इतने सल्फर के एटम का मास कितना होगा, सो टोटल मास विल बी इक्वल टू 32 × एमयू मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रो नंबर। रिमेंबर, एमयू का वैल्यू इन ग्राम, 1 एमयू किस में, ग्राम में, मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रो नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। कहने का मतलब
32 AMU का वैल्यू 1.67 10^-24 मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रो नंबर 6.022 10^23 ये ग्राम में था तो यहां यूनिट आ गया ग्राम में। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली ये 1 के बराबर आएगा एंड योर आंसर विल बी 32 ग्राम। सो व्हाट इज अ सिग्निफिकेंस ऑफ AMU? तो बोलेंगे AMU इज नथिंग बट 1 अपॉन अवोगाड्रो नंबर। या व्हाट इज अवोगाड्रो नंबर? इट इज 1 अपॉन AMU। AMU इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रो नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। देयरफॉर टोटल मास कितना आ गया? 32 ग्राम। तो यहां पर कोई भी एलिमेंट ले लो, अगर उसका 1 मोल एलिमेंट ले रहे हो तो उसका मास क्या आएगा? उसका एटॉमिक वेट रिटर्न इन ग्राम। अब एटॉमिक वेट को क्या मिल गया? यूनिट मिल गया। समझ में आ रहा है? सो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट विल बी ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक वेट रिटर्न इन ग्राम्स। 1 मोल का मास पता चल गया तो हम 10 मोल का मास बता देंगे। सोडियम का एटॉमिक वेट 23, व्हाट विल द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम? 23 ग्राम। एटॉमिक वेट ऑफ आयरन इज 56, 1 मोल आयरन का मास कितना? 56 ग्राम। क्लियर? थर्टी टू ग्राम का मतलब 1 मोल सल्फर, तो 16 ग्राम का मतलब कितना मोल सल्फर? हाफ मोल। 64 ग्राम सल्फर मतलब कितना मोल? 64 ग्राम सल्फर मतलब कितना मोल? 2 मोल्स। तो हम लोग मास से मोल भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट विल बी ऑलवेज इक्वल टू मास गिवन। मास गिवन किसमें? ग्राम में, डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट। मास गिवन इन ग्राम डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट। आयरन का एटॉमिक वेट 56, तो हम बोले 100 ग्राम आयरन में कितना मोल हो गया? मोल्स कितने हो गए आयरन के? 100/56। क्लियर? जिस कंसेप्ट से मैंने ये सल्फर का समझाया उसी तरीके से देखो कंपाउंड में भी वही चीज होगा। मान लो कंटेनर में हम 1 मोल ले लेते हैं अमोनिया, व्हाट विल बी इट्स टोटल मास? टोटल मास सेम चीज, 1 मोल अमोनिया का मतलब अवोगाड्रो नंबर व्हाट 1 मोल अमोनिया का मतलब अवोगाड्रो नंबर ऑफ व्हाट? एटम, मॉलिक्यूल, क्या? मॉलिक्यूल, क्योंकि इसका फंडामेंटल पार्टिकल मॉलिक्यूल है। इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। 1 मॉलिक्यूल का मास कैसे निकाला जाता है? 1 मॉलिक्यूल का मास कैसे निकाला जाता है? मॉलिक्यूलर वेट में AMU जब मल्टीप्लाई करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना है? 17, और इसमें AMU मल्टीप्लाई कर दिए तो 1 मॉलिक्यूल का मास आ गया। तो इतने मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा? टोटल मास कितना हो जाएगा? 17 AMU मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रो नंबर। फिर से यह क्वांटिटी क्या हो गया? 1 हो गया। तो आंसर क्या आ गया? 17 ग्राम। तो अमोनिया था तो 17 ग्राम, वाटर आएगा तो 18 ग्राम। क्लियर है कि नहीं? देयरफॉर मास ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड विल बी ऑलवेज इक्वल टू उसका मॉलिक्यूलर वेट रिटर्न इन ग्राम्स। 17 ग्राम मतलब 1 मोल अमोनिया, तो 8.5 ग्राम मतलब हाफ मोल अमोनिया। समझ में आ रहा? 34 ग्राम मतलब 2 मोल्स अमोनिया। मतलब सिंपल यहां भी एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड विल बी ऑलवेज इक्वल टू मास गिवन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो किसी भी एलिमेंट का अगर आपको ग्राम में मास पता है तो उसको एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दीजिए तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, और किसी भी कंपाउंड का मास इन ग्राम अगर पता है तो उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कीजिएगा तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड। उल्टा भी सोचो, अगर मोल पता है, अगर मोल्स पता है, मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई करके मास निकाल लेंगे। मोल पता है तो एटॉमिक वेट मल्टीप्लाई करके एलिमेंट का मास निकाल लेंगे। तो ध्यान रखना,
मोल में जब अवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई होता है वी गेट नंबर ऑफ पार्टिकल, मोल में जब एटॉमिक वेट मल्टीप्लाई होता मास ऑफ एलिमेंट, वही मोल में जब मॉलिकुलर वेट मल्टीप्लाई होगा मास ऑफ कंपाउंड। क्लियर है? क्लियर है? कंटेनर के अंदर मान ले हम ले लिए एक मोल H2SO4, ठीक, वेरी सिंपल, एक मोल H2SO4 का मतलब अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम के मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, बिकॉज H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एक कंपाउंड है, तो इतने मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, ठीक। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखकर हम तुम लोगों को क्या बोले, तुरंत एक मॉलिक्यूल को इमेजिन करना, एक मॉलिक्यूल में दो सल्फर के हाइड्रोजन के एटम, एक सल्फर और चार ऑक्सीजन के एटम एक मॉलिक्यूल में, ठीक। तो अब इस कंटेनर में अगर हम तुमसे बोले कि बता नंबर ऑफ एच एटम्स कितना, कंटेनर के अंदर, कंटेनर के अंदर तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं और एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन का एटम है, एक मॉलिक्यूल में, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन के एटम होंगे, 2 into Na, 2 into Na, इतना हो गया H का एटम्स। सिमिलरली नंबर ऑफ S एटम्स कितने हैं टोटल, तो एक मॉलिक्यूल में एक, तो अवोगाड्रो नंबर में कितना, 1 into Na। सिमिलरली नंबर ऑफ O एटम्स कितने हैं इसके अंदर, तो एक मॉलिक्यूल में चार ऑक्सीजन के एटम, तो अवोगाड्रो नंबर में कितना होगा, 4 into Na, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा। तो अगर हम एक मोल H2SO4 लिए हैं तो हाइड्रोजन के इतने एटम्स, सल्फर के इतने एटम्स, ऑक्सीजन के इतने एटम्स, ठीक है, ये तो हम समझ, बेसिक चीज बता रहे हैं। अब देखो हमें ये जो पता चला वो क्या पता चला, नंबर, ये मोल नहीं है, नंबर, क्लियर। अब इस नंबर को अगर हम तुमसे बोले कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच एटम्स कितना, अब नंबर को मोल में कैसे चेंज करते, अब अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके, तो ये नंबर था, इसको अब अवोगाड्रो नंबर से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, 2। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एस, 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 4। अब देखो हम एक चीज छोटा सा कंक्लूड ये करना चाह रहे थे कि ये जो इंडेक्स है ना, इसको आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। पहला तरीका, एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन के एटम, एक सल्फर का एटम और चार ऑक्सीजन का एटम होगा, करेक्ट। अब दूसरा तरीका, एक मोल H2SO4 में दो मोल H के एटम होंगे, एक मोल S का एटम होगा और चार मोल O के एटम्स होंगे, बोला जा सकता है। सिमिलरली अगर हम NH3 देखकर बोले सीधे, इन वन मोल ऑफ NH3 इंप्लाइज वन मोल ऑफ नाइट्रोजन, ऑल्सो इंप्लाइज 3 moles ऑफ हाइड्रोजन, ये भी बोला जा सकता है क्या। ये अगर आप समझ में आ गए तो हम बोल सकते हैं एक चीज कि मोल्स ऑफ एनी एटम विल बी ऑलवेज इक्वल टू इट्स इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय, एक मोल अमोनिया में तो तुम बता दिए एक मोल एन एटम है कि नहीं, अगर हम 10 मोल अमोनिया लेते तो क्या बोलते, 1 into 10 बोलते, यस और नो। अगर हम यहां एक मोल अमोनिया में एक मोल नाइट्रोजन और 3 moles हाइड्रोजन बोल रहे हैं तो अगर हम 10 मोल अमोनिया लिए होते तो यहां लिखते आप 1 into 10 और यहां लिखते क्या, 3 into 10। क्लियर? मोल्स ऑफ एनी एटम विल बी ऑलवेज इक्वल टू इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड टेकन, यही है 1 into 10, 3 into 10। 10 क्या था, कंपाउंड का जो मोल्स लिया गया है। क्लियर है? नोट कर लो यहां, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन
36 ग्राम वाटर, कैलकुलेट द टोटल चार्ज, टोटल चार्ज प्रेजेंट इन कूलम्स ऑन 27 ग्राम ऑफ एल प्लस 3. थर्टी सिक्स ग्राम वाटर मास दिया हुआ है, तुरंत क्या निकालेंगे, मोल्स कितने, तो मोल इज मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बिकॉज इट इज अ कंपाउंड. कंपाउंड अगर है तो मोल मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके निकालेंगे. कितना मोल हो गया, 2 मोल्स हो गए. चूंकि कंपाउंड है तो इसका फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, मॉलिक्यूल्स. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, 2 into Na. इलेक्ट्रॉन्स कहां होगा, एटम में, और एटम कहां होगा, मॉलिक्यूल में, है कि नहीं. एक मॉलिक्यूल इमेजिन कर, एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम, यही है ना. एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन. बेसिक नॉलेज पता ही है ना. तो एक मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10. एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतने मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन, 10 से गुणा कर देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू 2 into Na into 10, दैट इज 20 Na. क्लियर. दूसरा, कैलकुलेट द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन 27 ग्राम ऑफ एल प्लस 3. कितना आया आंसर तेरा, 4.8 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम. देखते हैं, एल प्लस 3 का एक आयन पे बता कितना चार्ज है, एक आयन, तो बाकी निकल जाएगा. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस 3, 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव, 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड. अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया तो 3 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया उसके अंदर. प्लस 3 मतलब इस पे 3 प्रोटॉन का चार्ज है. पहले 13 प्रोटॉन थे और 13 इलेक्ट्रॉन थे. एटॉमिक नंबर तो 13 होता है ना एल्युमिनियम का. 13 प्रोटॉन थे और 13 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जब हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 10. 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन का तो चार्ज को कैंसिल किया, लेकिन 3 प्रोटॉन का चार्ज बच गया ना. प्रोटॉन तो 13 ही है और इलेक्ट्रॉन 10 है, तो 3 प्रोटॉन का चार्ज एक्स्ट्रा. समझ में आ रहा है. तो प्लस 3 मतलब 1 आयन विल हैव 3 प्रोटॉन चार्ज एक्स्ट्रा. प्लस 3 मतलब इट इज हैविंग 3 प्रोटॉन चार्ज एक्स्ट्रा. अगर ये अगर कोई माइनस 3 होता तो उसे बोलते 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज एक्स्ट्रा. मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तो सेम ही है, साइन ही अलग अलग है. बात समझ में आ रहा है. तो वन आयन विल हैव 3 प्रोटॉन चार्ज. 3 प्रोटॉन चार्ज मतलब 3 into 1.602 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम. तुमने जो निकाला वो एक एल्यूमिनियम आयन पे निकाला, जबकि हम 27 ग्राम एल्यूमिनियम आयन ले रखे. 27 ग्राम एल प्लस 3 मतलब मोल्स कितना, एक. एटॉमिक वेट तो 27 ही होगा इसका, 27 by 27, एक मोल. एक मोल मतलब अवोगाड्रो नंबर ऑफ आयन्स. एक आयन पे इतना चार्ज, तो अवोगाड्रो नंबर आयन पे कितना चार्ज, टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू 3 into 1.602 into 10 की पावर माइनस 19 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 into 10 की पावर 23. ये आंसर होगा. और ध्यान रखना, ये वैल्यू भी मेमोराइज कर ले, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाइड बाई 1 मोल, माने 1 मोल इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज हो गया ना ये. और ये वैल्यू आता है 96500 कूलम, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 फराडे. सुने हो कभी फराडे, कोई बात नहीं, वैल्यू याद रखना 96500. इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 96500. सो आंसर हो जाएगा 3 into 96500 कूलम, 3 फराडे चार्ज. एक एल प्लस 3 पे 3 प्रोटॉन का चार्ज है. ये समझ में आ रहा, एक आयन इमेजिन करो,
एल्यूमिनियम का एक आटम इमेजिन करो, उसमें 13 प्रोटॉन थे और 13 इलेक्ट्रॉन थे। एल्यूमिनियम प्लस 3 बना दिया गया तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया। अब एल्यूमिनियम प्लस 3 में क्या सीन है, प्रोटॉन तो 13 ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन के चार्ज को कैंसिल कर रहा है लेकिन 3 प्रोटॉन का चार्ज बच गया ना, वही प्लस 3 होता है। तो एक आयन पे 3 प्रोटॉन का चार्ज है, 10 आयन पे 30 प्रोटॉन का चार्ज होगा। अवोगाड्रो नंबर ऑफ आयन पे 3 × NA प्रोटॉन के चार्ज होंगे, उसमें प्रोटॉन का चार्ज मल्टीप्लाई कर दो। वैसे ही Cl- से क्या समझते हो, एक Cl- आयन पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक्स्ट्रा है। S2- एक सल्फर आयन पे 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक्स्ट्रा है। क्लियर। खैर आज हम जो भी चीज पढ़ाए इसको दोबारा रिवाइज करना, बढ़िया से लाइन बाय लाइन समझने का कोशिश करना। जो डाउट हो मेरे से अगले क्लास के पहले 10 मिनट में पूछ लेना और इसके ऊपर हम और सवाल कराएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू ऑल।